Hey guys, welcome to NCERT Solution Subject English Class 9th. तो बच्चों ये मेरी थर्ड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 पोइम देयर आर नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ग्लोसरीज, पिक्चर ऑफ द पोइम और क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट वीडियो में मैंने फुल चैप्टर इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दी है, वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं NCERT Solutions। सेकेंड वीडियो समरी, थीम, मैसेज, पोइटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम एंड ब्ला ब्ला, वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने सेकेंड वीडियो में अपलोड कर दी है, वो भी आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो जैसा कि ये थर्ड वीडियो मैंने आपको पहले बता दिया, तो सबसे पहले हम ग्लोसरी पार्ट देख लेते हैं। तो टोटल मैंने इस चैप्टर द रोड नॉट टेकन में 3 वीडियोज ली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स, ग्लोसरीज और पोइम की वीडियो है, तो ग्लोसरी पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1, डाइवर्ज्ड, सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन। डाइवर्ज क्या होता है ना, कि सेपरेट होना और एक दूसरी डायरेक्शन को चूज कर लेना। अंडरग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, मतलब ज़्यादातर प्लांट्स और बुशेस के डेंस ग्रोथ हो। वांटेड फियर क्या होता है, हैड नॉट बीन यूज्ड, जो अभी तक यूज़ नहीं किया गया हो। हैंस हियर इन द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में। तो ये बस हमारे 4 ग्लोसरीज हैं। अब चलते हैं पिक्चर ऑफ द पोइम पे। तो ये है हमारी पोइम की पिक्चर, ये मैंने खुद से बनाई है एंड मैंने इसके आइडियाज़ जो है वो गूगल के थ्रू लिए हैं। तो आप गूगल के थ्रू आइडियाज़ ले सकते हैं, अगर आपको कोई और पिक्चर बनानी है तो बना सकते हैं। ज़्यादातर मैंने ये पेंसिल से ही बनाई है और पेंसिल मैंने कैमेलियन यूज़ की है। ओके, आप कैमेलियन पेंसिल यूज़ कर सकते हैं और इस ड्राइंग को बना सकते हैं। आउटलाइन के लिए मतलब सारी चीज़ें जो है वो मैंने कैमेलियन पेंसिल से की है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। NCERT सॉल्यूशन फॉर क्लास 9 इंग्लिश पोइम चैप्टर 1 द रोड नॉट टेकन। NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, थिंकिंग अबाउट द पोइम, पेज नंबर 16 में। क्वेश्चन 1 पार्ट का, वेयर डज अ ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, ट्रैवलर ने अपने आप को कहाँ पाया। What problem does he face? और उसने कौन सी प्रॉब्लम फेस की थी। सो द आंसर इज, द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्ज। ट्रैवलर ने अपने आप को दो रोड्स में पाया जहाँ पे दो रोड्स डाइवर्ज किए गए थे, और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो डिसाइड कर रहा था, सोच रहा था कि कौन से रास्ते में, कौन से रोड में वो वॉक करे, वो जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, वो है, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। ये जो फ्रेजेस हैं नीचे दी गई है, इससे आप क्या पता लगाते हो। अ जेलो वुड, बी पैच, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, सी पैच, द पासिंग देव, डी पार्ट, लीव्स नो स्टेप हाइड्रोजन ब्लैक, ई पार्ट, हाउ वे लीड्स वन टू वे। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यस इट इज गिवन इन टेक्चुअल क्वेश्चन, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू, बट वी कैन से इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, आंसर इज अ फॉरेस्ट इन द ऑटमन सीजन, जिलोवुड का। बी पार्ट का, रोड ग्रासी क्यों था, वाई वॉज द रोड ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, द रोड वॉज ग्रासी बिकॉज इट वॉज लेस ट्रेवल्ड रोड, इट वॉन्टेड पीपल टू मूव ऑन इट। ये आपको ऐसे नहीं पूछेंगे, ये आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि वाई वॉज द रोड ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, तो आप बोल लिख सकते हो द रोड वॉज ग्रासी बिकॉज इट वॉज लेस ट्रेवल्ड रोड, इट वॉन्टेड पीपल टू मूव ऑन इट। क्योंकि रोड ग्रासी इसलिए था क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग कम चलते थे, ज़्यादातर लोग आना जाना नहीं था, वहाँ पे ज़्यादा पीपल मूव करने चाहिए थे। सी पार्ट में बोला द पासिंग देयर, ठीक है, इट अप्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड। डी पार्ट, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, आंसर इज इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ ट्रेवलर्स, कि वहाँ पे लीव्स जो है वो क्रश नहीं किए गए हैं ट्रेवलर्स के पाँव के नीचे, ठीक है, फीट के नीचे। नेक्स्ट है, हाउ वी लीव्स वन टू वे, इसका आंसर है हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम, क्या दो रोड्स के बीच में डिफरेंस था इन स्टेंजा 2 and 3 इन द लास्ट 2 लाइंस ऑफ द पोएम।
तो देखो बच्चों, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी रोड्स इन दी स्टेंचा टू एंड देयर. वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं था स्टेंचा टू और थ्री में. सेकेंड पूछा, इन दी लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोइम, लास्ट दो लाइन्स ऑफ द पोइम में क्या बताया गया था. इन दी लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोइम द पोइट टेल्स दैट द रोड ही ओप्टेड फॉर हिज लेस ट्रेवल्ड, कि जो उसने रोड ओप्टेड किया था, जो उसने रोड चुना था, वो ज़्यादातर लेस ट्रेवल्ड था. वहाँ पे यात्रा लोग जो थे उन्होंने यात्रा जो थी वो कम की थी. ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में. What do you think the last two lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? आप बताइए कि last two line में क्या था. अगर आप पीछे देखें तो poet ने क्या regret किया था अपनी choice या accept की थी. ठीक है, वो हमने यहाँ पे भी पढ़ा last two lines of the poem, वही हम यहाँ पे describe कर देंगे. The last two lines of the poem means that the poet chose the path that was traveled less years after. He says that the path he had chosen made a difference in his life. He did not regret about his decision. तो क्या आया कि जो last दो line है हमारी poem की, उसमें poet क्या बताता है कि जो उसने path choose किया वो less traveled है. ठीक है, जैसे उधर बता दिया that the path that was traveled less years after, he says कुछ साल के बाद उसने कहा, आफ्टर ही से दैट द पाथ ही हैड चूजन, जो पाथ उसने चूज किया था वही पाथ उसकी लाइफ में डिफरेंस ला रहा है. ठीक है, उसी पाथ से उसकी लाइफ में डिफरेंस आया है, चेंजेस आई है. ही डिड नॉट रिग्रेट अबाउट हिज डिसीजन, उसने अपने डिसीजन को रिग्रेट नहीं किया था. ठीक है, अब देखते हैं नंबर टू के आई पार्ट, सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन नंबर वन की ओर. हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस और डू यू थिंक You will have difficult choices to make. How will you make the choice? For what reasons? This is not an important question. Yes, you have to know about the questions but we have discussed. Ma'am can ask you in a revision test also. So I have given the answers of this question and I am explaining to you also in Hindi. Okay. उन्होंने कहा कि आपने कभी difficult choice, आपने कभी difficult choice ली है? Or do you think you will have difficult choices to make? क्या आप तो जानते हैं कि आप डिफ़िकल्ट चॉइसेस आपको बनानी पड़ेगी. हाउ विल यू मेक द चॉइस फॉर व्हाट रीजंस? तो आई हैव नॉट एवर हैड टू मेक डिफ़िकल्ट चॉइस, मुझे अभी तक कोई भी डिफ़िकल्ट चॉइस नहीं लेनी पड़ी है. येट बट आई थिंक द डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसिडरिंग, पर मैं ये ऐसे सोचता हूँ कि डिसीजन जो है वो कंसाइडरिंग करना चाहिए, मतलब अच्छी तरह पूछताछ कर लेना चाहिए प्रो और कौन से सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्रोस और कौन से कंसाइडरिंग कर लेना चाहिए था, ये ऐसा मैं सोचता हूँ. ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारी इस पोइम का. आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी? सो द आंसर इज वन शुड लिव इन द प्रेजेंट एंड नॉट इन द पास्ट. कुछ लोग प्रेजेंस में रहते हैं पास्ट में नहीं. वन मस्ट नॉट फील नर्वस एंड गेट डिजेक्टेड इन द ट्राइंग. कुछ नर्वस फील कर जाते हैं और कुछ सर्कमस्टांसिस के लिए डिजेक्टेड कर जाते हैं. ऑन सम इंस्टांसिस, और ऐसे कुछ इंस्टांसिस के लिए वन नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट द चॉइस ही और शी मेक्स. तो ऐसे इंस्टांसिस के लिए उन्हें कॉन्फिडेंट की ज़रूरत पड़ती है कि वो कैसे ही या शी, लड़की है या लड़का है, कैसे चॉइसेस बना सके. ठीक है, तो टोटल हमारे कितने क्वेश्चंस हैं? 6 क्वेश्चंस हैं. 4 टेक्चुअल क्वेश्चंस थिंकिंग अबाउट द पॉइंट के आई पार्ट वन पार्ट के, एंड 2 क्वेश्चंस हमारे सेकंड पार्ट के. ठीक है, तो इसी तरह ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ठीक है, तो कैसी लगी मेरी वीडियो? लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना. बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करना मेरी लेटेस्ट न्यू वीडियोस देखने के लिए. बाकी वीडियोस ज़रूर देखना मेरे चैनल पे जाके. तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू.